निदा, निदा, बताओ भी क्या बताऊं? फिजान से शादी के लिए हाँ क्यों की? शादी नहीं है ये, सौदा है। मैंने खुद अपना दाम लगाया, वो देने के लिए तैयार भी है। तो ठीक है, सही सही। तुम लोगों को मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? पता है मुझे, अपनी मर्जी से ही फैसला किया है मैंने। मगर आप ही, आपको पता भी है फैजान क्या क्या कुछ करता है। कल चाचे रजत दीन के बेटे पे गाड़ी चढ़ा दी थी उसने। अब तो लोग इतना बिल्ले से नहीं डरते जितना फैजान से डरते हैं। हर वक्त पिस्तौल पकड़ के बिल्ले के साथ घूमता रहता है। और पहले तो चर्स वगैरह करता था, अब तो पता नहीं क्या क्या कुछ। कहा ना पता है, फिर भी फिर भी जब ये बताओ, यासिर से बात की तुमने? से बात करने के बाद ही तो ये फैसला किया है मैंने। क्या कहता है? कहता है उसे जीवन नगर को बचाना है। फैजान से भी बड़ा गुंडा बन गया है वो, उसी की तरह मार पीट, लोगों से पैसे लेना, उन पर गुंडागर्दी करना। क्या फर्क रह गया उसमें और फैजान में? ये वो यासिर नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था। तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए। ये थी मुझे अपनी फिक्र, सिर्फ अम्मी और पापा की फिक्र। कही ये तो खुदकुशी है। करते हैं लोग कभी कभी। कौन है तू? चुप चुप, गाड़ी निकाल। मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग हो कौन? गाड़ी निकाल वरना फोन दूंगा। चला दे वरना ये चला देगा। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं। कुछ बता तो सही, कहाँ जा रहा है तू? ये पैसे कहाँ लेके जा रहा है? तेरे अब्बे ने गाड़ी निकलवानी है, बात तो सुन फिजान। ऐसे तको मेरे, क्या सोचा है फिर आपने?
ले ताया जान, 40 लाख रुपए हैं ये। 10 लाख आपको एक हफ्ते के बाद दे दूँ। चले पकड़े हैं दोनों प्लाटों की फाइलें, जो आपको पसंद है ना हुक्म करें, आप ही क्या है जी, चले देखने। नहीं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं ज़रूरत क्यों नहीं है जी, निदा ने आखिर ख्वाहिश की है, कैसे हो सकता है मैं पूरी ना करूँ। अब्बा जी, हाँ जी, थकान आप अपनी बंद कर दें, ताया जी के साथ बैठे, जो सारा सामान है ना वो शिफ्ट करवा देंगे लड़के, ठीक हो गया। वकील से ना मेरी बात हो गई है, ठीक है, सारा कारोबार आपके नाम हो जाएगा, पेपर तैयार हो गए, तो अब आपका मैं माशाल्लाह फ्यूचर सन इन लॉ हूँ, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं, आपने बस शादी की तैयारियाँ करें हैं। क्या बात, तैयारी फड़ो, तैयारी फड़ो। गुरु जी, पप्पू कितना प्यारा बच्चा है, मासूम सा, मेरा दिल तो चाहता है मैं सुबह से शाम तक इससे खेलते रहूं। ऐसी कचीची चढ़ती है ना इससे। बचपन में सारे मासूम ही लगते हैं। बैठ जा। मैं जब शुरू शुरू में अम्मा हाजिन के पास आई ना, तो इलाके में कहीं बच्चा बच्चा पैदा होता था तो अम्मा हाजिन बधाई लेने जाती थी, तो मुझे साथ ले जाती थी। मैंने एक दफा महाजन से पूछा, मैंने कहा गुरु जी जब बच्चा होता है वो चाहे गोरा हो सांवला हो बेशक काला हो, बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, मगर जब ये बड़ा हो जाता है तो अजीब कोजा सा हो जाता है। तो अम्मा हाजन ने पता क्या कहा, कहने लगी पुत्र करतूत शक्ल पे आ जाते। सही कहा गुरु जी, अम्मा हाजन आपको याद तो आती हूँ। हाय आप चलो बताती। ये पप्पू से 2-3 साल बड़ी थी मैं जब अम्मा हाजन के पास आई थी, मेरी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी। अम्मा हाजन उस वक्त भी 50 से ऊपर की थी, हज कर लिया हुआ था उन्होंने, सब डरते थे अम्मा हाजन से, बड़ा रोब था अम्मा हाजन का, सुबह सुबह उठ के ऊंची आवाज में सपारा पड़ती थी। माशाल्लाह। मैं ना शुरू शुरू में चुपचाप गुमसुम बैठी रहती थी। एक दफा इसी तरह अम्मा हाजन सपारा पड़ रही थी, मैं पास चुपचाप बैठी हुई थी, मुझे कहने लगी ये इधर आ, क्या बात है। मैंने कहा गुरु जी कभी कभी मुझे अपना आप अच्छा नहीं लगता, मुझे यूं लगता है मैं गलत जिस्म में आ गई हूं, हंसने लग गई। कहती है पुत्र जिस्म गलत या सही नहीं होता, जिस्म तो कपड़ों की तरह होता है, जनाना कपड़े या मर्दाना कपड़े, कपड़े अच्छे बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना वो अच्छा या बुरा होता है, अगर अच्छे जिस्म के अंदर इंसान ही नहीं अच्छा तो लानत है उस पे। गुरुजी आपको क्या लगता है आप अच्छे इंसान हैं? कभी कभी मुझे अपना आप बहुत बुरा लगता है,
मगर कभी कभी लगता है कि मैं पूरी दुनिया से ज्यादा अच्छी हूं। अच्छी तो आप हैं गुरुजी, आपने हमें बचाया, पप्पू को बचाया, अच्छी तो आप हैं, पर क्या? पर गुरुजी आप बाहर ही नहीं निकलते। मैं जाती हूँ बाहर, मैंने देखा है गुरुजी किस्मत बहुत बुरे हालात हैं बाहर के। इस निगोड़े की तो किस्मत अच्छी थी कि आपके पास आ गया। बाहर तो हर घर में पप्पू है, किस किस को बचाएंगी गुरुजी? मैं जा रहा हूँ, लेकिन दरवाजा खुला है, बाहर ना निकलना, मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा। नहीं ठीक है भाई। मुन्नी जी आप यहाँ हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूरे जीवन नगर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ, और उस दिन सुबह 6 बजे पहुंचना नहीं था आपने। मैं अकेला वहां खड़ा रहा, इंतजार करता रहा आपका, काली पट्टी मांगी थी, आप कहां थी? सब्र सब्र, हौसला, सब डिटेल्स दूंगी। फोन लायो। हाँ लायो। ऑन तो नहीं किया था पहले? नहीं। उस दिन लोग आए थे? जमा तो नहीं हुए थे, लेकिन आते जाते रुक जरूर रहे थे वहां। इतने मैसेजेस? 6:30 बजे, वेयर आर यू? 7:30, अगर सामने आने की हिम्मत नहीं थी तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई? 8, क्या हुआ, डर के? 9, तुम भी सबकी तरह बुजदिल हो यार, इसका मतलब है कि लोग वाकई आए थे। इतने ज्यादा मैसेजेस, ये देखें वॉइस नोट्स में आए। माय गॉड, तुम तीनों ने ये बात गौर से सुननी और समझनी है। आज से अपनी अपनी बिरादरी को तुम खुद देखोगे। यासिर, नेके तेरे जिम्मे, फिजान तू देखेगा हमसानियों को और मुगेरों को। तू अब अपनी अपनी बिरादरी में कोई मसला हो, कोई फड्डा हो, उसको अपने तौर पे खुद ही देखना है। ना तो किसी को मेरे पास आने देना है और ना ही किसी को मेरे खिलाफ होने देना। आई समझ? ठीक है बिल्ले भाई। शाबाश, ठीक है, जाओ जाओ। ज्यादा करीब नहीं आ रही है? और तुझे मैंने उस दिन भी रोका था ना, ये जाती मसले खत्म कर। ओए आपस में लड़ते रहोगे तो दूसरों को कब देखोगे? बस चल जा, शाबाश, ठंडा हो जा, चल। नीता, बिल्ले भाई। बिल्ले भाई, ये आज की पेमेंट है। इकबाल ठेकेदार कल का बोल रहा है, पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है, देखिए जरा। शाबाश, तो मसला तो नहीं हुआ?
ओ नहीं नहीं बिल्ले भाई, बस छोटा सा हो गया था, आप ही निबड़ ले। वेरी गुड, बहुत जल्दी काम सीख गया तू है। तेरा पानी तो पिला। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किधर गया बे तू, कोई अता पता ही नहीं है तेरा। और ये हाथ में क्या है? शादी का कार्ड है जी, आपके लिए। और किसकी बर्बादी का कार्ड है? गेस करो। और मेरी बर्बादी का कार्ड है यार। तू तो बड़ा तेज निकला है। बिल्ले भाई आपको पता है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन आपने हमेशा मेरा बड़े भाई की तरह साथ दिया। आप ना होते ना ये सब नहीं होना था यार। अब भाई अपना तो सीधा सा असूल है, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। बिल्ले भाई ये पढ़ा यासर को काट दिया? नहीं तो देना, ये भी आएगा मेरे साथ। आप इतना कह रहे हैं तो दे देते हैं जी। लो जी फाड़, साथ चलेंगे। खोल ओ खोल, पढ़ नाम फैजान बेड्स निदा। हैं क्या बात है। ले भाई मैं एक मिनट हाजिर हूँ। चलो, और ये शोर है, आपको ये वीडियो मैसेज बनाना चाहिए। अब जरूरी है। जीवन नगर के तमाम रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और हमारे ग्रुप सेव द जीवन नगर में खुश आमदीद। अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये ग्रुप कौन चला रहा है। इसी नाम से बाकी तमाम पेजेस भी सोशल मीडिया पर मैं ही रन कर रही हूँ। आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि उस सुबह 6 बजे आपको उबर शाह के डेरे के बाहर बुलाकर मैं खुद क्यों नहीं आई। तो उसकी वजह यह है कि बिल्ले ने अपने साथियों को ऑर्डर दिया था कि मुझे मेरे घर से आधी रात में उठवा लिया जाए। वो तो खुदा का शुक्र है कि एक मोहसिन ने वक्त पर आकर मेरी जान बचा ली। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बुजदिल नहीं हूँ। अगर ये सब ना हुआ होता तो आप लोग बहुत पहले जो डेरे के बाहर देख चुके होते। वो तमाम लोग जिनमें इस ग्रुप सेव द जीवन नगर की वजह से उम्मीद जागी है, वो लोग हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि ना तो अब ये आवाज़ बंद होगी और ना ही हमारी जद्दोजहद। हम सब साथ हैं। एक और बात, आप लोग फिर से वही गलती कर रहे हैं। आप लोग अपने मसाइल के लिए उन लोगों की तरफ देख रहे हैं जो कि इन मसाइल की जड़ हैं। खुदारा अपने मसलों को लेकर बब्बर शाह या बिल्ले के पास मत जाएं, उनका हल खुद निकालें। शुक्रिया। ये कितनी देर पहले अपलोड की इसने? सर ये थोड़ी देर पहले की। इसका नंबर ऑन आ रहा है? जी ऑन। मेरी बात कर पाओ? सेकंड, ये रहा सर। अब तो सबको पता चल गया, पहले सोचना था ना उठा ले बस। नहीं नहीं उठा ले, पक्की बात है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बाबू बात कर रहा हूँ। बाबू भाई आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। इस वक्त आप कहाँ हैं? इस वक्त वो ना दरअसल मुझे बग्गे भाई ने मेरी जान बचा ली थी, अब मैं ठीक हूँ, लेकिन वो मुझे यहाँ एक अननोन जगह पर लेकर आए हैं। बग्गा भी आपके साथ है? नहीं 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 अभी तो नहीं है बग्गा भाई, लेकिन वो आते जाते रहते हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपके कॉज में बग्गा आपके साथ है या नहीं? कहाँ, आपको मालूम तो है उनका, और शाह जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहते। मैं यही पूछ रहा था,
असल में इसकी कोई गलती नहीं है, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है। अच्छा आप कहाँ हैं? ये सब बातें बाद में, आपकी लोकेशन मेरे पास आ गई है, मैं अपना एक बच्चा आपके पास भेज रहा हूँ, वो आपको वहाँ से किसी महफूज मुकाम पे शिफ्ट कर देगा। नहीं बाबू भाई, मुझे जीवन नगर जाना है वापस। हम जीवन नगर जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, लेकिन इस वक्त आप वो करें जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज़। ओके सुने बाबू भाई, मैं जहाँ पर हूँ ना वो दरवाज़ा लॉक्ड है बाहर से। मैं जिसे आपके पास भेज रहा हूँ उसके पास हर ताले की चाबी है, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, ओके। इधर जीवन नगर में हालात मजीद बिगड़ चुके थे। राजे प्लस्तर का जीवन नगर पे कब्जा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। राजा प्लस्तर के सताए गरीब लोग जब शाहजी के डेरे पे मदद के लिए आते तो बिल्ले के आदमी उन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा देते। बिल्ला ताकत के नशे में मस्त हो चुका था। कच्ची लाइन से आगे वो जो इमाम बारगाह वाली गली है, 10-12 घर तो उसमें से भी गए। एक बात कहूं, मुझे तो लगता है कि मुन्नी ठीक ही कहती है। हम समझते हैं कि हमारे घरों पे कब्जा नहीं होगा, दूसरों के घरों पे हो जाएगा, लेकिन देख लेना अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन हमारे घरों तक पहुंच जाएगा ये प्लस्तर, फिर हम क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ मास्टर जी, वो बेचारी तो आई थी मुझे समझाने, मगर मैंने ही उसे झाड़ दिया। मैंने कहा चुप कर, तू कौन होती है हमारे मसलों में बोलने वाली, अपने काम से काम रख। ओ पारफीक, और मुलुकड़ी सी मासूम सी बच्ची है, ऐवें ही झाड़ दिया उसको। अब बता यार क्या करें। मैं तो कहता हूँ मास्टर जी, खजाने को भूल जाओ और जीवन नगर से बाहर रहने का इंतज़ाम कर। यहाँ के हालात अब रहने के काबिल नहीं है, कोई पता नहीं कब प्लस्तर अपने बंदों को लेकर यहाँ आ जाए, और अगर वो ना भी आया ना तो जो कुछ खटिया कमाया है वो बिल्ला ले जाएगा। यार क्या बताऊँ मैं, पता नहीं हमारे जीवन नगर को नज़र लग गई है, और कल मैंने अपने इन गुनाहगार हाथों से दो बच्चों को अपने स्कूल में पकड़ा और नशा बेच रहे थे। परसों मुझे सफाई करने वाले ने 3-4 सरिंजे जिससे नशा लगाते हैं वो लाकर पकड़ा दी, लैटरीनों से मिली थी उसे। पता नहीं क्या हो गया हमारे जीवन नगर को। मास्टर जी सच पूछते हो ना, तो जीवन नगर अब रहने के काबल नहीं रहा। पर पारफीक हूँ असी जाइए तो जाइए कितने, बब्बर पुत्र बेचारे लोग तेरे पास भाग भाग के आते हैं, तू किसी की बात ही नहीं सुनता, और बिल्ला मार मार के उन्हें यहां से भगा देता है। तेरी माँ समझकर सारे लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं, मुझे बता मैं उन्हें क्या कहूँ, कितना समझाऊं उन्हें मैं। देख पुत्र, पहले तू बाहर निकलता था, लोगों की बातें सुनता था, उनके मसले सुनता था, उनके साथ खाना खाता था, उनकी मदद करता था। अब महीने गुजर जाते हैं तू कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, क्या हो गया तुझे? ये तू क्यों भूल रहा है कि ये जीवन नगर बब्बर शाह की वजह से ही है, और तू भी बब्बर शाह जीवन नगर की वजह से है। लोग जीवन नगर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बब्बर पुत्र, एक बात याद रखी, अगर ये लोग नहीं तो फिर तू भी नहीं, तू इस जीवन नगर की वजह से बब्बर शाह है पुत्र, तू मेरी बात क्यों नहीं समझता? तू रोक ले ये सब कुछ, रोक ले, तू ही रोक सकता है, अभी थोड़े से नाराज हैं, तू एक दफा रोकेगा ना देखें फौरन रुक जाएंगे, मुझे यकीन है इस बात का, कोशिश करके देख,
क्या हो गया तुझे? महीनों से तू इस कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं निकलता। तुझे कैसे पता चले कि तेरे जीवन नगर में क्या क्या हो रहा है? तो बाबू भाई, आपको क्या समझ आ रही है इन तमाम चीजों से? जो मुझे समझ आ रही है, फिलहाल मैं वो समझाना नहीं चाहता। मतलब? मैं कुछ चीजों के बहुत करीब हूँ, लेकिन इस वक्त मैं अपने मुंह से कोई भी ऐसी नहीं। अब आप सब कुछ इस फोन से मैनेज करें, इसकी लोकेशन भी ट्रेस नहीं होगी। और ये देखें, ये उन तमाम लोगों के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने पर्सनली आपसे, आपके पेजेस पे और आपसे ग्रुप पे मैसेज करने को, कांटेक्ट करने की कोशिश की है। और हैरानी की बात ये है कि एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि क्यूरियस थे, जिन्होंने कांटेक्ट तो नहीं किया लेकिन पेज को बार बार सर्च किया। ये देखें, ये तो बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। हाँ, अगर इस तादाद के आधे लोग भी हमारे साथ हों तो हम जीवन नगर की किस्मत बदल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये किसका नंबर है? ये यासिर का नंबर है और ये निदा का है। ये देखें, और ये सारे जीवन नगर के लोग ही हैं। और वो? वो गुड्डू है इसका नाम। माय गॉड, एक मिनट। हाँ बिल्कुल, ये देखें। This is unbelievable. ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास ही है। ये फिगर है, हाँ। ये फिगर। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है जुलेखा। हमारी विलन, हमारी बच्ची का ख्याल रखना। निदा, पानी लेकर आओ। निदा पुत्र, क्या हो गया? क्या हो? निदा, निदा, निदा।
मुन्नी जी, मुन्नी जी बात सुने। हाँ हरी। ये देखे यासर ने वीडियोस भेजी हैं, चेक करें। बिल्ले के साथ मिलने की वजह से यासर की रसाई फैक्ट्री और गोदामों तक हो गई थी, जहां से मंशियात का कारोबार और सप्लाई पूरे जीवन नगर में हो रही थी। आपने इसे सेव द जीवन नगर के पेज पे पोस्ट करें। ना करो, अल्लाह सोना करम करेगा, आप देखना निदा बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा था नहीं है वो खुश, ना करो, तुम नहीं माने। मैं बता रही हूँ तुम्हें रमजान हमसानी बड़े कारोबारी, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सब पे पूरे खानदान पे केस करूंगी। मैं भाभी जी आहिस्ता बोलो, खुदा का खौफ खाओ, क्या हो गया, अस्पताल है। खबरदार शबान, खबरदार, जो अब किसी ने भी मुझे चुप कराने के लिए कहा। पेशेंट को होश आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। खतरे की कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आप पेशेंट से मिल सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, फाइन, अल्लाह ने करम कर दिया। तो बैठो 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 बैठ, बैठ। जाए पानी पानी लेके आ, चल जा फटाफट जा। ओ पाइन कुछ नहीं होता, क्या हो गया, बस अल्लाह ने करम कर दिया है। निदा रानी, निदा निदा क्या कर दिया तुम, मुझसे तो कह दिया होता है। माफ कर दिया, परेशान था ना, बस मत मानी गई मेरी, अकल में पर्दा पड़ गया, मुझे माफ कर दे, मुझे कर दे माफ, माफ कर दे। ओए तू क्या कर रहे थे, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल बाहर। ओए काबू मेरा कपड़ा आपको, सुरे निदा क्या बात, सॉरिया चल रही है यहां पे हैं, बाहर निकल, बाहर निकल, तुझे जान से मार दूंगा मैं। ओए बीवी है मेरी, निकाह हुआ मेरा उसके साथ। खबरदार खबरदार, जो बीवी का लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मेरे साथ ना निकाह हुआ है ना होगा। ठीक है अभी निकाह कर लेते हैं, बाहर निकल, गोली मार दूंगा तुझे। निकल यहां से, तो पहुंच।
बस कर, अब कुछ नहीं होगा ऐसे मुक्के मारने से, मैं भी बहुत ही मारता हूँ। बात सुन, मैं तुझे असली तरीका बताता हूँ सुकून लेने। बैठ, हाथ परे, हाथ परे, हाथ परे कर, परे कर हाथ, आराम से। आप कितने हसी, आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।